जैसा कि पिछली दो कड़ियों से हम एक फ्रेंच व्यक्ति जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उनके केस का जिक्र कर रहे हैं, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब तक हमने जाना कि किस तरीके से उसने उन दूसरे प्लैनेट के निवासियों से बातचीत करी, उनका जो बातचीत करने का तरीका था, जिस तरीके से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं और जो उनका ईंधन होता है, इन सब बातों को उसने उन दूसरे प्लैनेट के निवासियों से जाना। उस प्लैनेट के निवासी उस फ्रेंच व्यक्ति को देखकर ऐसे उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने आदिम युग का कोई व्यक्ति देख लिया हो। जैसे हमारे सामने कोई आदि मानव आ जाए तो हम रिएक्ट करेंगे, कुछ इस तरह का उनका रिएक्शन था। उस प्लैनेट के निवासी शारीरिक रूप से तो हमसे छोटे थे और हमारी तुलना में चलते भी बहुत धीरे थे। उनके शरीर पर बाल नहीं थे और जो उनकी वर्दी थी, उसे वर्दी कह लीजिए या उनके कपड़े कह लीजिए, जो भी कहिए, वो कुछ अजीब तरह की थी क्योंकि वो उनकी वर्दी थी लेकिन वो ऐसे उनकी त्वचा के साथ ढली हुई थी, लगता था कि वो उनकी त्वचा है। और ये कहना मुश्किल होता था कि ये जो वर्दी है ये कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पर ख़त्म हुई है। आगे उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही भविष्य में कभी पृथ्वी को देखने भी जाएंगे लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। आगे उस व्यक्ति ने कहा कि वहाँ पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने वहाँ का आसमान देखा तो उस आकाश में, वो आकाश बहुत खूबसूरत था लेकिन उसमें चंद्रमा नहीं था, ना ही तारे थे। अब आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई कि जैसा कि उस प्लैनेट के निवासियों ने कहा था कि हम धरती पर जल्दी ही विजिट करेंगे, तो शायद उन्होंने विजिट किया भी है। क्यों? क्योंकि कुछ सालों बाद एक और घटना घटी, वो ये कि पोर्ट डेनियल में और न्यू पोर्ट में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा और वहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा UFO देखने का जिक्र किया गया। और जो उन्होंने बताया, जिस तरीके से उन्होंने देखा है, जो कुछ उन्होंने बताया, वो अलग अलग व्यक्तियों ने बिल्कुल सिमिलर डिस्क्रिप्शन दिया जो कुछ भी उन्होंने बताया। एक ही समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा एक ही तरह की चीज़ का देखे जाने का जिक्र, ये इस बात को साबित करता है कि इस घटना में सत्यता तो है, अन्यथा अलग अलग व्यक्तियों का एक जैसा डिस्क्रिप्शन नहीं होता। और वो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह का था कि उन्होंने बिना पंखों वाला एक विमान देखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उस फ्रेंच व्यक्ति ने भी बिना पंखों वाला ही विमान देखा था। तो या वहाँ के जो कुछ एक निवासी थे उन्होंने बताया कि उन्होंने भी बिना पंखों वाला एक विमान देखा है लेकिन हवा में कोई आवाज़ नहीं थी, उस प्लेन की वजह से हवा में कोई आवाज़ नहीं थी और वो ज़मीन से सिर्फ कुछ ही फुट की दूरी पर था और वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे वो कि वो स्थिर था। और उस समय पर वो व्यक्ति बताते हैं कि मैं मॉन्ट्रियल में रह रहा था, जो लगभग उस स्थान से जहाँ पर इस चीज़ को देखने का जिक्र किया गया है लगभग 500 मील दूर है। आगे वो फ्रेंच व्यक्ति कहते हैं कि कहाँ तो मनुष्य को चांद पर जाना इतना मुश्किल हो रहा है और कहाँ मैं एक बिल्कुल पता नहीं कितने प्रकाश वर्ष दूर वो प्लैनेट होगा वहाँ पर गया और वो मेरे लिए कितना सरल था। खैर, अब हम इसी केस पर वापस आते हैं। तो ये तो था उस व्यक्ति का एक बहुत विकसित प्लैनेट को देखने का अनुभव और उस प्लैनेट के निवासियों ने जो कहा था कि वो धरती पर कभी ना कभी विजिट करेंगे, जल्दी ही विजिट करेंगे, उन्होंने किया भी। अब उसी, अब क्या बोलेंगे इसे, ज्ञानमय प्रकाश, दिव्य प्रकाश, उसे जो भी कहिए, वो एक इंटेलिजेंट प्रकाश, वो व्यक्ति फिर से वहीं था अपनी इस उच्च प्लैनेट की यात्रा के बाद। और फिर से उसका कहना था कि क्या वो कम विकसित प्लैनेट पर जा सकता है? और उस दिव्य, बहुत इंटेलिजेंट प्रकाश द्वारा उसे इजाज़त मिली पृथ्वी से कहीं ज़्यादा कम विकसित प्लैनेट पर जाने की। जैसा कि पिछली दो कड़ियों से हम एक फ्रेंच व्यक्ति जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उनके केस का जिक्र कर रहे हैं, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब तक हमने जाना कि किस तरीके से उसने उन दूसरे प्लैनेट के निवासियों से बातचीत करी, उनका जो बातचीत करने का तरीका था, जिस तरीके से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं और जो उनका ईंधन होता है, इन सब बातों को उसने उन दूसरे प्लैनेट के निवासियों से जाना। उस प्लैनेट के निवासी उस फ्रेंच व्यक्ति को देखकर ऐसे उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने आदिम युग का कोई व्यक्ति देख लिया हो।
जैसे हमारे सामने कोई आदि मानव आ जाए तो हम रिएक्ट करेंगे, कुछ इस तरह का उनका रिएक्शन था। उस प्लेनेट के निवासी शायद रूप से तो हमसे छोटे थे और हमारी तुलना में चलते भी बहुत धीरे थे। उनके शरीर पर बाल नहीं थे और जो उनकी वर्दी थी, उसे वर्दी कह लीजिए या उनके कपड़े कह लीजिए, जो भी कहिए, वो कुछ अजीब तरह की थी क्योंकि वो उनकी वर्दी थी लेकिन वो ऐसे उनकी त्वचा के साथ ढली हुई थी, लगता था कि वो उनकी त्वचा है। और ये कहना मुश्किल होता था कि ये जो वर्दी है ये कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पर ख़त्म हुई है। आगे उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही भविष्य में कभी पृथ्वी को देखने भी जाएंगे लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। आगे उस व्यक्ति ने कहा कि वहाँ पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने वहाँ का आसमान देखा तो उस आकाश में, वो आकाश बहुत खूबसूरत था लेकिन उसमें चंद्रमा नहीं था, ना ही तारे थे। अब आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई कि जैसा कि उस प्लैनेट के निवासियों ने कहा था कि हम धरती पर जल्दी ही विजिट करेंगे, तो शायद उन्होंने विजिट किया भी है। क्यों? क्योंकि कुछ सालों बाद एक और घटना घटी, वो ये कि पोर्ट डेनियल में और न्यू पोर्ट में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा और वहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा UFO देखने का जिक्र किया गया। और जो उन्होंने बताया, जिस तरीके से उन्होंने देखा है, जो कुछ उन्होंने बताया, वो अलग अलग व्यक्तियों ने बिल्कुल सिमिलर डिस्क्रिप्शन दिया जो कुछ भी उन्होंने बताया। एक ही समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा एक ही तरह की चीज़ का देखे जाने का जिक्र, ये इस बात को साबित करता है कि इस घटना में सत्यता तो है, अन्यथा अलग अलग व्यक्तियों का एक जैसा डिस्क्रिप्शन नहीं होता। और वो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह का था कि उन्होंने बिना पंखों वाला एक विमान देखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उस फ्रेंच व्यक्ति ने भी बिना पंखों वाला ही विमान देखा था। तो या वहाँ के जो कुछ एक निवासी थे उन्होंने बताया कि उन्होंने भी बिना पंखों वाला एक विमान देखा है लेकिन हवा में कोई आवाज़ नहीं थी, उस प्लेन की वजह से हवा में कोई आवाज़ नहीं थी और वो ज़मीन से सिर्फ कुछ ही फुट की दूरी पर था और वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे वो कि वो स्थिर था। और उस समय पर वो व्यक्ति बताते हैं कि मैं मॉन्ट्रियल में रह रहा था, जो लगभग उस स्थान से जहाँ पर इस चीज़ को देखने का जिक्र किया गया है लगभग 500 मील दूर है। आगे वो फ्रेंच व्यक्ति कहते हैं कि कहाँ तो मनुष्य को चांद पर जाना इतना मुश्किल हो रहा है और कहाँ मैं एक बिल्कुल पता नहीं कितने प्रकाश वर्ष दूर वो प्लेनेट होगा वहाँ पर गया और वो मेरे लिए कितना सरल था। खैर अब हम इसी केस पर वापस आते हैं। तो ये तो था उस व्यक्ति का एक बहुत विकसित प्लेनेट को देखने का अनुभव और उस प्लेनेट के निवासियों ने जो कहा था कि वो धरती पर कभी ना कभी विजिट करेंगे, जल्दी ही विजिट करेंगे, उन्होंने किया भी। अब उसी, अब क्या बोलेंगे इसे, ज्ञानमय प्रकाश, दिव्य प्रकाश, उसे जो भी कहिए, वो एक इंटेलिजेंट प्रकाश, वो व्यक्ति फिर से वहीं था अपनी इस उच्च प्लेनेट की यात्रा के बाद। और फिर से उसका कहना था कि क्या वो कम विकसित प्लेनेट पर जा सकता है? और उस दिव्य, बहुत इंटेलिजेंट प्रकाश द्वारा उसे इजाज़त मिली पृथ्वी से कहीं ज़्यादा कम विकसित प्लेनेट पर जाने की। अब उस कम विकसित प्लेनेट के निवासी कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। लेकिन वो प्लेनेट कुछ इस तरह का था जैसे यहाँ पर हमने कहीं करोड़ों साल पहले का आदिम युग देख लिया हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पिछले भाग का लिंक दिया गया है और मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का भी लिंक दिया गया है, जहाँ पर मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में इसी तरह की तथ्यों पर आधारित, लोगों के सत्य अनुभवों पर आधारित जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अब वो जिस प्लेनेट पर था वहाँ पर एक अजीब से बड़े से जानवर का कुछ पुरुष पीछा कर रहे थे और वो पुरुष भी जैसे बालों से भरे हुए थे। उस व्यक्ति ने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो ना उसे देख सकते थे ना सुन सकते थे। उस व्यक्ति को ये बात समझ आ गई कि वो इस आदिम दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई बातचीत नहीं कर सकता, उनके सामने नहीं आ सकता, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मतलब इसका कोई भी किसी भी तरह का रोल ये यहाँ प्ले नहीं कर सकता। आगे उस व्यक्ति ने कहा कि मैं शायद इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर सका क्योंकि ग्रहों के बीच एक बफर के रूप में कार्य करने के लिए बहुत बड़ी दूरी है जो हमें उस दुनिया तक पहुंचने से रोकती है, और ये उनके विकास के लिए भी खतरनाक है क्योंकि यही ज़रूरी है कि हमारा इंटरफेरेंस उनके वर्ल्ड में ना हो। और एक चीज़ उसे और क्लियर हुई कि जो हम मनुष्य हैं, हम आने वाले वक्त में बहुत अधिक विकसित ग्रहों पर जन्म ले सकते हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सभी तो शायद नहीं, लेकिन हाँ, जैसे बहुत सारे प्लैनेट बनते बिगड़ते रहते हैं तो शायद पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और उसके बाद या तो यहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या बचेगी और जो अलग अलग स्तर की आत्माएं हैं वो अपने मुताबिक, अपने स्तर के मुताबिक अलग अलग प्लैनेट्स पर फिर जीवन लेंगी। लेकिन ये बात मैं कह रही हूँ, इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा कि हम अधिक विकसित ग्रहों पर अवतरित होंगे। एक बात थोड़ी अजीब है। फिर आगे उस व्यक्ति ने पृथ्वी से रिलेटेड कुछ प्रश्न उस दिव्य प्रकाश से किए, तो उसने पूछा कि पृथ्वी पर जीवन कब तक चलेगा। इस पर जवाब था 3587। और तब क्या होगा, उस व्यक्ति का सवाल था और जवाब उसके सामने था। उसने देखा एक बड़ा सा धूमकेतु और धरती पर घबराए हुए लोग। वैज्ञानिकों को पता चल चुका है कि अब वक्त खत्म होने वाला है और अब बचने के लिए उनके पास पूरा वक्त नहीं है। अब ये कब होगा इसका तो एग्जैक्ट टाइम वो व्यक्ति नहीं बता सकता था, लेकिन एक चीज़ और थी जो उसने देखी। 9/11 की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना को भी उस व्यक्ति ने अपने इस अनुभव में देखा और तारीख और वक्त के साथ देखा। उसने आके देखा बहुत अलग अलग देशों के आपस में संघर्ष, और ये जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, नासा है, इसमें बहुत कम निवेश, और इसी वजह से नासा नहीं देख पाएगी कि किस तरीके से पृथ्वी को नुकसान पहुंच सकता है, किस तरीके के छोटे शुद्ध ग्रह इतने बड़े हैं जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब तो ये उसने एक तरह से भविष्य की भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन ये जो खगोलीय घटना होगी, इसमें जो एक फायदा होगा वो ये कि सब देश जो आपस में लड़ रहे होंगे वो अपनी लड़ाई बंद करके मिलकर इस चीज़ से लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी होगी और कोई लाभ नहीं होगा, और सभी राष्ट्र अंत में ये महसूस करेंगे कि युद्ध कितने मूर्खतापूर्ण थे। अंत में पृथ्वी पर शांति होगी, करोड़ों लोगों की जान जा चुकी होगी, और ये वक्त बहुत दूर भी नहीं है। लेकिन आगे इस व्यक्ति ने ये गलती कर दी। इसे गलती करना कहेंगे या गलती करवाई गई कहेंगे पता नहीं, उसने वो प्रकाश को भूल गया और उसने एक भाव क्रिएट किया कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन अच्छा होता अगर ये सारी नॉलेज मैं पृथ्वी पर जाकर लोगों को दे पाता, और उसकी इच्छा पूरी हो गई, वो वापस लौट आया। उसे इस बात का दुख था क्योंकि वो उस प्यार और सौंदर्य की दुनिया से वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन वो आ गया। उसने ये इच्छा ही क्यों की, उस प्रकाश की, उस शक्ति की पावर को उसने कम कैसे समझ लिया। लेकिन वापस लौटने से पहले एक छोटा अनुभव उसे और हुआ। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि इस फ्रेंच व्यक्ति की जो गर्लफ्रेंड थी वो कार ड्राइव कर रही थी, और इस एक्सीडेंट में उस लड़की की भी मृत्यु हो गई जो कार ड्राइव कर रही थी। जब इसने अपने आप को उस प्रकाश से, उस शंकु से दूर पाया, मतलब जब वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, उस मोमेंट उसने
अपनी गर्लफ्रेंड को देखा। वो सफ़ेद कपड़ों में थी और जैसे वो तैर रही थी और वो मुस्कुरा रही थी और जैसे टेलीपैथिक संदेश आपस में ट्रांसफ़र हो रहे थे। और उसने स्पष्ट कहा, उस लड़की ने, कि उसका वक्त पृथ्वी पर पूरा हो चुका है। और उसे लगा, मतलब जब वापस आते हुए जैसे उसने उसके हाथों को छुआ तो जैसे चिंगारियां निकली हों, प्रकाश निकला हो, जैसे कुछ कुछ ट्रांसफ़र हुआ हो, जैसे वो दोनों एक दूसरे के विचारों को, दिमागों को पढ़ पा रहे हों। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों का भी तो बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट है ना। वो ऐसे ही तो नहीं इस बर्थ में उसके जीवन में आई थी उसकी गर्लफ्रेंड बनकर, पता नहीं आगे और कितने उनके जीवन के साथ रहे होंगे और होंगे। तो वो कहता है कि मुझे बहुत एक खूबसूरत एहसास हो रहा था, हमारे बीच में एक टेलीपैथिक संदेश हम आपस में एक दूसरे को दे रहे थे, जैसे एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकते हो, वो स्थिति थी। लेकिन ये वो वक्त था जब जैसे वो जा रही थी, ये वापस अपने पृथ्वी की ओर लौट रहा था। ये कुछ ही छोटा सा अनुभव था, इसके बाद वो वापस अपने शरीर को देख सकता था। हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी हुई उसकी बॉडी, वो उसे देख सकता था। और जो गलती उसने उस प्रकाश में कर दी थी, ये कहकर, ये सोचकर कि काश मैं पृथ्वी पर जाकर ये ज्ञान सबको दे सकूं, वो पूरी हो गई थी और वो पृथ्वी पर अपने शरीर में वापस लौट आया था। खैर, ये अनुभव तो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। जैसे कि कुछ एक चीज़ें तय हैं, जैसे कि पृथ्वी का विनाश, जो कि जिस तरीके से इस व्यक्ति ने देखा। अब ये तो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस है, लेकिन इस नियर डेथ एक्सपीरियंस से भी पहले जो डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च रही है उसके बेस पर इसी तरह की जानकारी प्रदान की जा चुकी है कि पृथ्वी का विनाश होगा, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु होगी और कुछ एक दिव्य आत्माएँ ही उच्च स्तरीय इस धरती पर रह जाएंगी और बाकी अपने अपने स्तर मुताबिक अलग प्लैनेट्स पर जाएंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ की आत्माएं उच्च स्तरीय प्लैनेट पर जाएंगी। ये उस व्यक्ति का कहना है, उसका अनुभव है कि जो पृथ्वी वाली आत्माएं हैं वो उच्च स्तरीय प्लैनेट पर जाएंगी। लेकिन जो न्यूटन की रिसर्च है उसके बेस पर ये था कि अपने अपने स्तर के मुताबिक जाएंगे, और ब्रैनविस की रिसर्च में भी यही था कि अपने अपनी ऊर्जा के स्तर के, जो आत्मिक स्तर है, उसके मुताबिक प्लैनेट्स पर जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो के पिछले भाग का लिंक शेयर किया है और मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी नीचे दिया गया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में इसी तरह की सत्य तथ्यों पर आधारित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पिछले दो